नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंटरनेशनल अफेयर पर। तो जी हाँ दोस्तों, भारत ने चीन पाकिस्तान को पछाड़ते हुए अब सबसे आगे निकल गया है। यदि आप सोच रहे हैं कि आखिर किस चीज में भारत चीन और पाकिस्तान को पछाड़ा है तो आपको वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें वर्ल्ड के तमाम खबरों से। तो दोस्तों, भारत चीन और पाकिस्तान एक और फिर से भारी प्रदूषण से जूझ रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी भारत की राजधानी नई दिल्ली धुएं की मोटी परत से ढक गई है। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह हालात इतने खराब हो गए थे कि दिल्ली में स्कूलों को बंद करना पड़ा था। वहीं दुनिया भर में हवा की गुणवत्ता पर नजर रखने वाली आईक्यू एयर की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 100 सबसे ज्यादा प्रदूषित सूची में चीन और पाकिस्तान को पछाड़कर टॉप पर पहुंच गया है भारत। वहीं भारत की गाजियाबाद शहर की हवा देश में सबसे ज्यादा जहरीली है और वह चीन के भूटान शहर के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। वहीं अल जजीरा ने आईक्यू एयर के हवाले से बताया कि राजधानी नई दिल्ली के हवा में पीएम यानी पार्टिकुलर मैटर 2.5 पार्टिकल का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वीकार्य स्तर से 34 गुना ज्यादा है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि ठंड में हवा सबसे ज्यादा जहरीली हो जाती है जब किसान पराली जलाते हैं। PM2.5 पार्टिकल इंसान के फेफड़ों को तबाह करने के लिए काफी है। वहीं आगे इस रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2020 में दुनिया के 100 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 46 शहर भारत के थे। इसके बाद चीन का शहर जिसमें 42 शहर आते थे, चीन के बाद पाकिस्तान के 6 शहर, बांग्लादेश के 4 और इंडोनेशिया और थाईलैंड के 1 शहर इस सूची में शामिल था। इन सभी शहरों में PM2.5 एयर क्वालिटी रेटिंग 50 से ज्यादा था। आप ये जानकर बेहद हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में 9 केवल भारत में ही है। इसलिए हमने शुरू में आप लोग से कहा था कि भारत चीन और पाकिस्तान को पछाड़ते हुए सबसे आगे निकल गया है। वहीं चीन के हुटान शहर की हवा दुनिया में साल भर सबसे ज्यादा जहरीली रही है। यहाँ PM2.5 की रेटिंग साल भर साल 2020 में औसतन 110.2 रही है। वहीं लेसेंट के रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में भारत में 16,70,000 लोगों की मौत सिर्फ वायु प्रदूषण से हुआ है। हालांकि साल 1990 की तुलना में घरेलू प्रदूषण से होने वाली मौतों की संख्या में काफी कमी आई है। इसका श्रेय LPG और PNG के बढ़ते इस्तेमाल को दिया जा रहा है। वहीं PM2.5 से होने वाली मौतों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। वहीं दुनिया के 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की लिस्ट में 15 भारत में है। इनमें से ज्यादातर शहर उत्तरी भारत में है। वहीं इस रिपोर्ट में कहा गया कि वाहनों और उद्योग से निकलने वाली धुआं और फसलों को जलाया जाना हवा में PM2.5 और अन्य प्रदूषकों को बढ़ा रहा है। वहीं बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अब भारत और चीन के शहरों में स्मोक टावर बनाए जा रहे हैं। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऐसे 2 टावर लगाए गए हैं। ये टावर 1 किलोमीटर के इलाके में काम करते हैं और PM2.5 के स्तर को 50% तक कम कर देता है। हालांकि इनकी कारशुलता अभी भी सवाल घेरे हुए हैं। खैर, आपका क्या राय है? क्या भारत में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार को इस पर कुछ कदम उठाना चाहिए कि नहीं? आप अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। और इसी तरह खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल इंटरनेशनल अफेयर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।